हे हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कीज मेथड का इस्तेमाल करके हम कीज का लिस्ट बनाते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे वैल्यूज मेथड का इस्तेमाल करके हम वैल्यूज का लिस्ट बनाएंगे, कैसे वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक ऐसा लिस्ट चाहिए विच विल कंटेन ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस फीस डिक्शनरी। इसके लिए मैं यूज करूंगा फीस डॉट वैल्यूज। सो फीस इज अ डिक्शनरी नेम। डॉट नोटेशन से वैल्यूज इनबिल्ट मेथड को कॉल करना है, कोई आर्गुमेंट पैरामीटर नहीं देना है, और ये रिटर्न करेगा आपको एक ऑब्जेक्ट विच विल कंटेन ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस फीस डिक्शनरी। तो मैं इसे स्टोर कर देता हूं फीस में, और फीस लिस्ट, देन मैं प्रिंट करता हूं फीस लिस्ट को, साथ साथ इसका टाइप भी चेक करवा लेते हैं, टाइप ऑफ फीस लिस्ट, सेव एंड रन। सो रन करवाने के लिए पाई एग्जाम्पल डॉट पाई, एंड यू कैन सी डिक्ट वैल्यूज नाम का एक ऑब्जेक्ट बना। सो डिक्ट वैल्यूज इज अ बिल्ट इन क्लास, सो उसका एक ऑब्जेक्ट ये बना रहा है, दिस ऑब्जेक्ट कंटेन्स ऑल दिस वैल्यूज। सो इट कंटेन्स अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल द वैल्यूज। सो बेहतर रहेगा कि इसको हम लिस्ट में ही टाइपकास्ट कर दे, ताकि इसके ऊपर हम लिस्ट के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट के पास बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं इसको क्या करूंगा, लिस्ट में टाइपकास्ट करूंगा। सो बस ये जो फीस डॉट वैल्यूज है इसको डाल देना है लिस्ट फंक्शन के अंदर। सो जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू रिटर्न होगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न किया जाएगा। सो गाइज, अब ये पता लगाते हैं कि मुझे टोटल फीस कितना कैलकुलेट करना है फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम बिल्ट इन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सो ये जो लिस्ट है विच कंटेन्स ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस फीस डिक्शनरी, 12,000, 13,000, 14,000, उसके ऊपर आप इटरेट कर सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ आप एक बिल्ट इन फंक्शन का यूज कर सकते हैं, दैट इज अ सम। इस सम के अंदर पास कीजिए ये फीस लिस्ट, एंड सम फंक्शन आपको क्या करके देगा, फीस लिस्ट में जितने भी वैल्यूज हैं उनका सम करके देगा। सो सम ये मैं रिटर्न करता हूं टोटल कलेक्शन में, टोटल अंडरस्कोर कलेक्शन वेरिएबल में, एंड देन मैं एक अच्छा सा मैसेज देके इसे प्रिंट करता हूं, टोटल अमाउंट टू कलेक्ट फ्रॉम दिस बैच इज टोटल कलेक्शन। सेव करता हूं इसे एंड रन करता हूं। You can see total amount to collect is 39,000 मुझे calculate करने from all the students। So guys, एक और practical use देखते हैं values method का। My underscore cart एक Python dictionary है, it contains the items and their price। So ये चार items मैंने खरीद लिए हैं and उनको my cart में डाल दिया है। So अब मैं चाहता हूँ कि total price कितना होगा। So ऐसे cases में values method का इस्तेमाल किया जाता है। मैं क्या करूँगा, ये जो my cart है ना, इसके वैल्यूज को सेपरेट कर दूंगा इन अ लिस्ट। सो इसको लिस्ट में टाइप कास्ट करूंगा, तो मुझे एक लिस्ट मिलेगी कंटेनिंग ऑल द वैल्यूज, 14,000, 1,500, 4,000 एंड 60,000। देन इसके ऊपर मैं सम मेथड का अप्लाई करूंगा। सो यही पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में रखता हूँ, दैट आर प्राइसेस, एंड देन प्राइसेस के ऊपर मैं लगाता हूँ सम मेथड प्राइसेस, एंड इसे प्रिंट करता हूं, साथ ही साथ एक अच्छा सा मैसेज देता हूं, टोटल अमाउंट टू पे, टोटल अमाउंट टू पे, यहां पे कॉमा देना है, कॉमा देना भूलना नहीं है, नहीं तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। नाउ यू कैन सी टोटल अमाउंट टू पे इज 79,500। सो आई हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 79,500 फॉर परचेसिंग ऑल दिस आइटम्स प्रेजेंट इन माई कार्ट। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरीके से आप वैल्यूज एंड कीज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।